हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। हेलो स्टूडेंट्स, हाँ आवाज आ रही है भाई। ये सब चीजें चेक करनी पड़ती हैं, क्या करें भाई है? सभी को आवाज आ रही है? सबसे पहली बात तो ये बताओ। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बड़ा बेहतरीन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से। अब मैं कमेंट देख पा रही हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ साइंस बाय प्रिया मैम के चैनल पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को ह्यूमन बायोलॉजी यानी फिजिक्स और बायोलॉजी आज एक साथ में करवाने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं। यहाँ पे अगर आप कुछ देख पा रहे हो तो क्या देख पा रहे हो कि मैम ने आई जैसा कुछ बना रखा है। अब ये आई जैसा क्या है, ठीक है? तो देखते हैं ये आई जैसा क्या है। यहाँ पे कुछ में एक रोज है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक रोज है, उसकी इमेज बन रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक रोज है, उसकी इमेज बन रही है। तो बिल्कुल हाँ, आज हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। आज हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और क्या पढ़ने वाले ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बहुत सारे बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैं नया हूँ, और अगर आप नए हो तो सेशन को लाइक भी करो और सेशन को जितना हो सके उतना शेयर भी करो, ठीक है। तो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, और पीडीएफ के लिए आपको साइंस बाय प्रिया मैम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। पूरे दिल से क्षमा, एक लिंक एक्टिव किया गया था आपकी पीडीएफ के लिए, लेकिन कुछ समय बाद वो लिंक फिर ओपन नहीं हुआ, कुछ ही बच्चे उस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाए। एक बार और पिछली दो क्लासेस की पीडीएफ में डाल दूंगी, ठीक है। स्काई किंग बिल्कुल सही बात बोल रहा, ठीक है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना रुके थमे। साइंस बाय प्रिया मैम चैनल है। क्लासेस का शेड्यूल जो है, यूट्यूब की क्लासेस का शेड्यूल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। रोज दोपहर के 12 बजे कल से यानी मंडे से होने वाले हैं साइंस के एमसीक्यू। रोज दोपहर के 12 बजे कल से होने वाले हैं मंडे से एमसीक्यू, और शाम के 7 बजे होने वाली है फिजिक्स, और रात के 10 बजे होने वाली है बायो, और इसी बीच में यानी जब कुछ चीजें आगे बढ़ जाएगी तो केमिस्ट्री भी शुरू करवा दूंगी। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक डायग्राम दे रहे हो, देख रहे हो मेरे आंखों के पीछे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा होगा? डेली क्लास चलती है शाम के 7 बजे, फिजिक्स की क्लास चलती है, और ये जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ ये फिजिक्स का टॉपिक भी है और बायो का टॉपिक भी है, ठीक है। तो इसलिए जब मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी तो इसको फिजिक्स वाले में भी प्लेलिस्ट में भी डालूंगी और बायो की प्लेलिस्ट में भी डालूंगी, ताकि कोई दिक्कत ना आए। और एक बच्चे का बार बार मेरे पास कमेंट आ रहा था कि मैम फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर या फॉरेस्ट ऑफिसर का उत्तराखंड में एग्जाम है, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का करवाइएगा। तो हर एक लेवल में ये आएगी, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। और सारे के सारे बच्चे जो है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है, और आपके प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई और आपके लिए ही मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देखिए, सबका राम राम है भाई। ये इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ये जो रेड कलर की है इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ये जो नर्व्स है इस हिस्से को क्या कहते हैं, तो अभी हम सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको बता देते हैं कि हमारी आंखों का काम क्या होता है। सबसे पहली बात, हमारी आंखों का काम क्या है, आंखों का काम क्या है, तो आपको क्या बताना है हमारी आंखों का काम क्या है। आप ये बोलोगे कि ये हमारे चारों ओर की वस्तुओं को, मैं बहुत सारे कमेंट यहाँ पे पढ़ पा रही हूँ और देख भी पा रही हूँ, ठीक है, चारों ओर की वस्तुओं को दिखाता है। क्या दिखाओगे? चारों ओर की वस्तुओं को, ओर की वस्तु को दिखाता है, दिखाता है, मैंने मान लिया, ठीक है। हम ये कहेंगे विजुअलाइज आर सराउंडिंग, ठीक है, या गिव विजन, हमें विजन देता है। तो ये हम अपने आई के बारे में कहेंगे। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्लास में ये जानते हैं? आज मैं एक सवाल पूछने वाली हूँ, शायद आपने ना पढ़ा हो, एक सवाल पूछने वाली हूँ, शायद आपने ना पढ़ा हो। तो स्टडी ऑफ आई क्या कहते हैं? बिल्कुल हर एक एग्जाम के लिए है। स्टडी ऑफ आई क्या होता है बेटा, जल्दी से बताइए। स्टडी ऑफ आई, स्टडी ऑफ आई, ठीक है। आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये बायो का क्वेश्चन हो गया। आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मैंने क्या बोला, आज मैं दोनों चीजें एक साथ पढ़ाने वाली हूं। आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। कह सकते हो मुकेश जी, पटवारी के एग्जाम में भी आएगी। सुनील, आप करते रहो सारे एग्जाम के लिए, पटवार हो, रीट हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हर एग्जाम के लिए, जल्दी से बताइए।
जब तक तुम मेरे साथ हो ना तो इस क्लास को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो अभी सुनील जी पढ़ लो, बहुत सारे बच्चों के दोनों जगह कमेंट चलते रहते मेरे पास। न्यूलॉजी शिव ने बोला, न्यूलॉजी, ठीक है। और यस, दिव्या ने, नवीन ने, संगीता ने, अंकित ने सबसे बढ़िया आंसर दिया। ऑप्थमोलॉजी, सरित जो है वो प्लीज एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्थमोलॉजी बिल्कुल सही। ये जो होता है आंखों का अध्ययन होता है। अब बहुत सारे बच्चों को पता था, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था। अब जिन बच्चों को नहीं पता था कमेंट दे पा रही हूं। ऑप्थमोलॉजी, OPTHA, ध्यान से सुनो, OPTHAL। हाँ, बहुत सारे बच्चों के जो यहां पे मैं देख पा रही हूं कमेंट जो है वो गलत लिखा हुआ है। ऑप्थल्मोलॉजी, मोलॉजी स्टडी होती है आंखों के अध्ययन को ऑप्थमोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल। और इसके डॉक्टर को ऑप्थमोलॉजिस्ट कहते हैं, बिल्कुल सही। ऑर्थो नहीं, ऑर्थो जो शब्द होता है, ध्यान से सुनो, ये जो ऑर्थो शब्द होता है ये तो आपकी हड्डी से बिलोंग करता है, हड्डी से होता है, ये तो बोन्स के, बोन से बिलोंग करता है ऑर्थो शब्द, ठीक है? ऑर्थो जो होता है वो हड्डियों से बिलोंग करता है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, ये सबसे पहले ही पॉइंट में आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि स्टडी ऑफ आई, आंखों के अध्ययन को ऑप्थमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक बच्चे ने कहा मैम मेरा एक बार सिलेक्शन हो जाए आपको गुरु दक्षिणा देने जरूर आऊंगा, और आपके लिए आगे चल के जब हमारा परिवार और बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए गेट टुगेदर भी रखी जाएगी। वो दिन दूर नहीं जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे, आपकी दुआ से। मैंने अभी बोला था कि 4,000, मैंने परसों ही बोला था कि 4,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आज मुझे कहना पड़ेगा, कल तो मैंने कोई क्लास ही नहीं ली, आज 7,000 सब्सक्राइबर हो गए, वो सब आपका प्यार है, ठीक है? क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हमारी आंखों के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है? नहीं, आंखों का कोई प्रकार नहीं होता, हमारी आंखों के हिस्से होते हैं। तो वो हिस्से होते हैं, कॉर्निया हो गया, इरिस हो गया, लेंस हो गया, सिलरी बॉडी हो गया, कॉरॉइड हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गया, सेलेरी होगा, या जर्नलस हो गया, रेटिना हो गया, इनको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी मैं लिखवाऊंगी, तो ध्यान से सीखिए। हम अब पढ़ेंगे आंखों के हिस्से, आंखों के हिस्से, फिर मैं बोलूंगी इसमें बायो भी पढ़ोगे और फिजिक्स भी पढ़ोगे। फिजिक्स पढ़ाऊंगी तो जहां मैं इमेज कैसी बनती है, ठीक है? पार्ट्स ऑफ आई, पार्ट्स ऑफ आई, कोई बताएगा आंखों के हिस्से कितने होते हैं? कोई बताएगा बच्चा? कोई बता सकता है मुझे आंखों के हिस्से कितने होते हैं? बताओ, कोई बताएगा आंखों के हिस्से कितने हो सकते हैं? तो आंखों के वैसे तो 3 हिस्से होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, एक इनर होता है, एक बाहरी हिस्सा होता है, एक अंदरी हिस्सा होता है, एक मिडल हिस्सा होता है, एक बहुत बाहर की जो होती है कवरेज होती है, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कमेंट यहां भी दिख रहे हैं, वहां भी दिख रहे हैं, दोनों जगह कमेंट देख पा रही हूँ, ठीक है? अब हम बात करते हैं आगे, पार्ट्स ऑफ आई। तो मुझे ये बताइए कितने पार्ट्स होते हैं आंखों के, आंखों के भाग कितने होते हैं? चलो देखो ध्यान से, आर आई हैज, ठीक है, ध्यान से सुनो, आर आई हैज 3 लेयर। हमारी आंखों की, हमारी आंखों की 3 परत होती है बच्चों, हमारी आंखों की 3 परत होती है। उन 3 परत में से सबसे पहली परत जो होती है वो कौन सी होती है? उन 3 परत में से सबसे पहली परत कौन सी होती है? तो मैं आपको बताती हूं, उन 3 परत में से सबसे पहली परत होती है ये वाली, सबसे पहली परत होती है ये वाली, सिलैरी। ये जो बाहर की परत होती है ना सिलैरी, इन तीनों में से जो परत होती है वो होती है सिलैरी, ये वाली सिलैरी जो होती है ये बाहर वाली परत होती है। कौन सी वाली परत होती है? बाहर वाली परत होती है, इसको श्वेत पतल बोलते हैं। सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर करें, इसको बच्चों श्वेत पतल बोलते हैं। देखो श्वेत पतल बोलते हैं, ये जो श्वेत पतल होती है ये बाहरी परत होती है। कौन सी परत होती है? बाहरी परत होती है, बाहर वाली जो परत होती है हमारी आंखों की, आउटर लेयर, आउटर लेयर। हर एक पेज पे मैंने आई का वो कर रखा है, ये होती है बच्चों बाहरी परत, बाहरी परत होती है हमारी आंखों की, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहली, हमारी सबसे पहली हमारी होती है सिलेरी, ठीक है? ध्यान से देखो,
ये होती है हमारी, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्वेत पतल, ठीक है। अब हम इसके बारे में लिखेंगे, ये होती है हमारी बाहरी परत, आउटर लेयर। क्या होती है बच्चों? ये हमारी आंखों की बाहरी परत होती है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि आंखों की बाहरी परत क्या होती है। देखो पता है क्या होता है, टीचर कुछ टीचर बेवकूफ बनाते हैं, कुछ टीचर पढ़ाते हैं। जो बेवकूफ बनाते हैं वो क्या करते हैं, जो पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं। कुछ टीचर पढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे, आंखों की एनाटॉमी बताएंगे। एनाटॉमी का मतलब जो आंखों की जो चीजें एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे। जो टीचर बेवकूफ बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो विजन डिफेक्ट पढ़ा देते हैं, खाली दृष्टि दोष पढ़ा देते हैं। भाई मायोपिया क्या हुआ, हाइपरमेट्रोपिया क्या हुआ, आंखें खत्म होगी नहीं, वो पार्ट होता है फिजिक्स का। बाकी पार्ट होता है आपका थोड़ा सा बायो का। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं आई एम योर बिग फैन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है। और सभी विद्यार्थी जो है सेशन को लाइक भी करेंगे और जितना हो सके सेशन को शेयर भी करेंगे। कमेंट पढ़ते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी भी हो रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें एक बात और बता देती हूँ कि इसमें टिश्यू बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। हाई डेंस टिश्यू पाए जाते हैं, हाई डेंस टिश्यू, इसको हम बोलेंगे। पूजा जी बोल रहे हैं मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, थैंक यू सो मच। घने ऊतक पाए जाते हैं बेटा, घने ऊतक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि भाई इसकी जो आंखों की बाहरी लेयर होती है वो कुछ क्या होती है, सिलेरी होती है, ठीक है। सारे के सारे बच्चे इस सेशन को शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे ये सेशन हमारा कम से कम 200 वॉचिंग तक जाए, 100 वॉचिंग को पार करके 200 वॉचिंग तक जाए। मेरा राज पटवारी का है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, क्लियर है। हाँ मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे बहुत बहुत बड़े फैन हैं, मुझे पता है, क्योंकि जितने भी सारे मेरे बहुत बहुत बड़े फैन हैं वो सारे के सारे इस सेशन में है, मुझे पता है। और इस सेशन में नहीं भी है तो टाइम लगते ही वो मेरी क्लास बाद में देखेंगे, ये भी मुझे पता है, और सेशन को शेयर भी करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बाहरी परत ये हो गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसकी बीच वाली परत कौन सी होती है, तो बीच वाली बताओ। अरे सुन रही हूँ भाई, सुन रही हूँ, लेकिन बीच वाली परत से पहले आप लोगों से पूछेगा इसकी आगे वाली परत कौन सी होती है। तो कॉर्निया जो होती है, ध्यान सुनिएगा, ये जो कॉर्निया है आपका, ये कॉर्निया जो इसका होता है, ये होती है इसकी अग्र परत। अग्र परत का मतलब इसकी आगे वाला जो परत होता है, तो हम इसको हिंदी में अग्र परत बोलेंगे, इसमें बोलेंगे फ्रंट लेयर होती है। ये आपकी फ्रंट लेयर जो होती है वो होती है आपकी कॉर्निया। यही वो कॉर्निया होता है जो आंख में ट्रांसप्लांट किया जाता है। अरे हाँ सुन रही हूं, ठीक है, यही वो कॉर्निया होता है जो आंख में ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसको हिंदी में भी कॉर्निया बोलते हैं, इसको इंग्लिश में भी कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ लो। कॉर्निया को हिंदी में भी कॉर्निया बोलते हैं, इंग्लिश में भी कॉर्निया बोलते हैं। लेकिन अगर इस कॉर्निया को, ध्यान सुनना, अगर इस कॉर्निया को मैं, चलो ले लिख देती हूँ, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे अरे ज्यादा इतरा रही है मैम, ठीक है, ये देख लेना सही है कि नहीं है, ठीक है। कॉर्निया जो होता है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश में सेम होता है, ठीक है। हाँ चलिए, सभी ग्रुप्स में डाल दो, 200 प्लस होने जानी चाहिए वॉचिंग, और आगे चल के इसको 500 प्लस भी करेंगे बच्चों। कॉर्निया, कॉर्निया हमारी अग्र परत होती है, अग्र परत होती है, फ्रंट लेयर होती है, और इसी हिस्से को डोनेट किया जाता है, इसी हिस्से को डोनेट किया जाता है। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कि भाई बाहर की परत कौन सी होती है, कॉर्निया, और ये सिक्स मिनट में डोनेट किया जाता है। डोनेट पार्ट यही होता है, डोनेट पार्ट यही होता है, दान वाला हिस्सा यही होता है बच्चों, यही हिस्सा दान किया जाता है, आंख दान नहीं की जाती, ठीक है। कॉर्निया वाला हिस्सा, ये जो आगे का हिस्सा, ये जो आप यहां पे देख रहे हो, यही वाला हिस्सा क्या किया जाता है, दान किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? दान किया जाता है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? तो सारे के सारे सब्सक्राइब करेंगे, पहली बात बताती हूँ, लाइक 201 हो गई है लेकिन वॉचिंग कम है, क्या मतलब ना, मजा नहीं आया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो आपका बीच वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ध्यान सुनो, अगर किसी को, मैं जैसे मैंने अपनी आंखें डोनेट कर रखी है, तो मेरे जाने के बाद
मेरे जाने के बाद 6 मिनट के अंदर मेरे कॉर्निया को निकाल के दूसरे पे डाल दिया जाएगा। अब ये जो आंखें जो जिंदा रहती है, आंखें जो जिंदा रहती है, जिंदा जिंदा जो रहती है आंखें, लाइव अगर रहती है तो वो सिर्फ आधे घंटे के लिए रहती है। आपकी आंखें जो होती है सिर्फ आधे घंटे के लिए जिंदा रहती है, और 6 मिनट के अंदर उसका कॉर्निया जो है ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है, दान दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए पीडीएफ मिलेगी साइंस बाय प्रिया मैम पे, यहीं से डाउनलोड कर दूंगी, वो लिंक से डाउनलोड नहीं हो रही थी, दोबारा से भेजूंगी मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि उसका बीच वाला हिस्सा कौन सा होता है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, बाहरी हिस्सा, ठीक है, हमने इसका आउटर हिस्सा पढ़ा, हमने उसका फ्रंट का हिस्सा पढ़ा। मैं पढ़ रही हूँ भाई, पढ़ रही हूँ तुम्हारे सबके कमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका मिडल हिस्सा। तो ये देखो ध्यान से सुनना, ये वाला हिस्सा कॉरोइड जो होता है ये इसका मिडल हिस्सा होता है, मिडल हिस्सा। ठीक है, मिडल पार्ट होता है। अब ये होता है बच्चों मध्य हिस्सा। मुझे पता है बहुत लोगों ने पढ़ाया है, और आज आपको पढ़ते हुए भी बहुत बच्चों को अजीब लग रहा होगा। ठीक है, और अजीब पता है क्यों लग रहा होगा, बच्चे सोच रहे होंगे यार पता नहीं मैम क्या पढ़ा रही है, क्यों, क्योंकि आपको ये नहीं पढ़ाया किसी ने, और ये मेरा बच्चा आता है। इसको बोलते हैं बच्चों कोरोइड। कोरोइड जो होता है वो मिडल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम मध्य हिस्सा। तो यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, मध्य हिस्सा कौन सा होता है, मिडल पार्ट, मध्य हिस्सा, ये मध्य हिस्सा होता है इसका। ठीक है, कहती बात समझ में आई, क्या होता है ये, इसका मध्य हिस्सा होता है। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूं, फुर्ती से कमेंट कर रहे हो, फुर्ती से कमेंट कर रहे हो, देख रही हूं। ठीक है, कहती बात समझ में आई, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए क्लियर है। कृपया गाली का इस्तेमाल ना करें इस क्लास में कि क्या बनाती हूं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बना रही हूं आपको, तो कृपया करके आप मत बनो, है ना, क्लास पे ध्यान दो। बच्चों ये रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। दूसरी बात, इसके जो टिश्यू होते हैं, इसके जो ऊतक होते हैं बच्चों, वो लूज होते हैं, वो ढीले होते हैं। यहां ये जो एक लाल कलर की लाइन है, यहां एक लाल कलर की लाइन है जो कोरोइड होती है, और धीरे धीरे जो ये कोरोइड है ये क्या होता है, इरिस में बदल जाता है। कहती बात समझ में आई, ये फ्री क्लास है, इसका कोई पेड बैच कभी आप लोगों के लिए लॉन्च नहीं होगा, सबके लिए फ्री है। ठीक है, ये मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, ओहो राकेश जी आप मेरे पिछले 5 दिनों से चैनल को देख रहे हो। चलिए अगला, ये हो गया। अब मैं आप लोगों को बताती हूं एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में क्वेश्चन होता है। अंकित जी रेड ही होता है, ये रेड ब्लड की वजह से होता है। बच्चे ये बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक मिनट पानी पी लूं मैं। खांसी हो गई यार, पता नहीं कैसे खांसी हो गई, खांसी भी हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, अब इसका इनर पार्ट, सारे बच्चे सेशन को शेयर करेंगे, कृपया विद्यार्थी सारे बच्चे सेशन शेयर करेंगे। अब ये जो आपका इनर, ये जो रेटिना होता है, ये रेटिना जो होता है ये आपका इनर पार्ट होता है। इनर पार्ट मतलब अंदर का हिस्सा होता है। सारे बच्चे सेशन को शेयर करेंगे, 200 प्लस वॉचिंग लाने की कोशिश करेंगे इस क्लास में, और आगे चल के 500 भी। नया चैनल है इसलिए मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूं, लेकिन अगली बार से फोर्स करना शुरू कर दूंगी। देखो जो रेटिना होता है ना, वो एक क्या है, अंदर का हिस्सा है, या आंतरिक हिस्सा भी इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं। ठीक है, इनर पार्ट है। अब आप सभी को एक बात पता है कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी इमेज उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी ये तो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के। दूसरी बात, इमेज फॉर्म्ड होती है, इमेज फॉर्म्ड,
ठीक है, हम इसमें क्या बोलेंगे, इसमें होता है क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। देखो बच्चों, आप सभी को पता है अभी हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनो, अभी हमने चार लेयरों के बारे में पढ़ा, तीन मेन लेयरों के बारे में पढ़ा और एक अंदर के लेयर में पढ़ा, ठीक है। तो अंदर की लेयर कौन सी होती है, बाहर की लेयर कौन सी होती है, ये सारी लेयरों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, ये सारी लेयरों के बारे में हम लोगों ने क्या करा बच्चों, पढ़ा। अब हम आप लोगों से आगे जो रिक्वेस्ट करेंगे वो ये करेंगे कि आप इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और ध्यान से क्या पढ़ो कि भाई रेटिना के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब आप लोग रॉड सेल, ऑप्टिक्स नहीं आती दीपेश, टेंशन मत लो, एक रॉड सेल होती है और एक कॉन सेल होती है। ये रॉड सेल और कॉन सेल क्या होती है, तो मैं आपको बता देती हूं कि टू टाइप ऑफ सेल, रेटिना के अंदर टू टाइप ऑफ सेल पाई जाती है, टू टाइप ऑफ सेल, ठीक है, दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अब आप लोगों ने ये तो हमेशा सुना होगा कि कौन सेल होती है, रॉड सेल होती है, लेकिन ये सेल किसकी होती है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया तो ये किसकी सेल होती है, किसकी सेल होती है, जल्दी से बताइए, कौन सेल होती है, रॉड सेल होती है, लेकिन ये सेल किसकी होती है, फटाफट से बताइए, रेटिना की सेल होती है, किसकी सेल होती है, रेटिना की सेल होती है। तो हम यहां लिखेंगे रेटिना, यहां लिखेंगे रेटिना, ये होती है बच्चों रेटिना की सेल, किसकी सेल होती है, और आप सभी को पता है रॉड सेल और कॉर्न सेल क्या करवाते हैं। अच्छा, अब आप सोचो एक बात, रेटिना में दिक्कत होने से लोगों को रतौधी होती है क्योंकि उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है, ये हम लोग पढ़ते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौधी होती है, लेकिन कैसे होती है ये, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा और इतना घुमा के भी बन सकता है कि बच्चा क्वेश्चन को छोड़ के आ जाए, ठीक है, बच्चा क्वेश्चन को छोड़ के आ जाए, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, अभी हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक बार देख लो, एक बार हल्का सा देख लो, हल्का सा बिल्कुल। सबसे पहले जो आंखें होती है उसकी स्टडी को ऑप्थमोलॉजी कहते हैं, ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि आंखों के पार्ट्स में उसका जो बाहरी हिस्सा होता है वो स्लैरी होता है, ठीक है, उसका जो आगे का हिस्सा होता है वो कॉर्निया होता है जो 6 मिनट में बदल दिया जाता है, और उसका जो बीच वाला हिस्सा होता है वो कोरॉइड होता है। अब इसका रेटिना जो होता है वो अंदर वाला हिस्सा होता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और जिसकी जो होती है दो सेल होती है, रॉड सेल और कॉर्न सेल जो होती है वो रेटिना की सेल होती है, ठीक है, वो रेटिना की सेल होती है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि कौन सा हिस्सा होता है, इसके बारे में थोड़ा डीप ना जाओ, ठीक है, सिर्फ एक चीज के बारे में डीप नहीं पढ़ाया, वो जानबूझ के नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलिए, कहोगे तो दोबारा से करवा दूंगी, और बताओ दोबारा से पढ़ा दूंगी, तो सभी विद्यार्थी जो है सेशन को शेयर करें। अब सबसे पहली सेल रेटिना की, सबसे पहली सेल देखो ध्यान से, यहां लिख देती हूँ रेटिना, अगर रेटिना नहीं लिखूंगी तो बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो जो बच्चों आपकी रॉड सेल होती है, ठीक है, अब ये जो रॉड सेल होती है इसका काम क्या होता है, जल्दी से बताइए इस रॉड सेल का काम क्या होता है, सारे के सारे स्टूडेंट फटाफट से बताइए इस रॉड सेल का काम क्या होता है। सुन रही हूँ, मोदी जी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्या बात है, नहीं करेंगे मोदी जी की बुराई, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कहती हूँ, ठीक है, हाँ जल्दी से बताइए। चलो लिख देती हूँ इसका हिंदी भी, शल्का कोशिका बोलते हैं इसको, शल्का कोशिका, इसको हिंदी और इंग्लिश में कभी कभी सेम आ जाता है, कभी कभी अलग आ जाता है। हाँ जी, देखो ध्यान से, इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, क्या होता है, रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है इसके अंदर, ध्यान से सुनो बच्चों। अब ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है इसके बारे में कितने बच्चे जानते हैं, सर मुझे ये बताइए रोडोप्सिन पिगमेंट के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, फटाफट से बताओ रोडोप्सिन पिगमेंट के बारे में कितने बच्चे जानते हैं। फटाफट से बताइए, मैं यही पढ़ाऊंगी और कहीं नहीं पढ़ाऊंगी। देखो ध्यान से सुनो, रोडोप्सिन जो है ना, रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो आपका, आपके रात की दृष्टि को मजबूत करता है, रात की दृष्टि को मजबूत करता है, मजबूत करता है, स्ट्रांग विजन फॉर नाइट, ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनो, जिन लोगों के अंदर, ध्यान से सुनना, जिन लोगों के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट कम होगा, रोडोप्सिन पिगमेंट कहां पाया जाता है, रॉड सेल में पाया जाता है, और ये सेल होती है रेटिना की, तो जिन लोगों के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट कम पाया जाता है उनकी रात की दृष्टि कम होती है, क्योंकि उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है,
विटामिन ए की कमी होती है। अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो उसके अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट कम होगा, जिससे एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, एक डिसीज हो जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं रतौधी, रतौधी। अब कितने बच्चों को समझ में आया कि रतौधी होती कैसे है, कितने बच्चों को समझ में आया रतौधी कैसे होती है, फटाफट से बताइए। सभी को बहुत बहुत प्रेम, जितने बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं प्रेम के लिए, बहुत बहुत प्रेम, जल्दी से बताइए कितने बच्चों को समझ में आई कि नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है। आई ना बात समझ में, कैसे आई, कि जो रॉड सेल होता है हमारा उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोडोप्सिन पिगमेंट। ये रोडोप्सिन पिगमेंट क्या करता है, रात की दृष्टि को बढ़ाता है, हमें रात में देखने में मदद करता है, और जिन लोगों में रोडोप्सिन पिगमेंट कम होता है उनको रात को क्लियरली नहीं दिखाई देता। और ये कमी कब होती है, ये कमी जब होती है जब विटामिन ए कम होगा, और जब विटामिन ए बिल्कुल ही कम होगा तो किसी इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, उसको फिर रात को कभी भी दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? हाँ, तो ये नई बात सीखी, ये नई बात सीखी ना, तभी तो मैं बोल रही थी कि जीरो से हीरो तक का सफर, वो साइंस जो मैंने कभी नहीं पढ़ाया तुम्हें, वो साइंस जो आप आज यहां पढ़ोगे, वो साइंस जो आप आगे तक पढ़ोगे। तो सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक करें, और मैं यहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगी, कोई पैसा नहीं है इस चीज का, अपने बहन भाई को भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब आगे, अब रॉड सेल और कॉर्न सेल हम लोग बोलते हैं कलर के लिए, तो रॉड सेल कलर के लिए नहीं है, तो किस चीज के लिए रॉड सेल, ये आपको नाइट विजन देने के लिए है, रात को दिखाने के लिए है। अब दूसरी नंबर की सेल जो आती है वो आपकी आती है कॉर्ड सेल, ठीक है, कॉर्न सेल, कॉर्ड बोल रही है, कॉर्न सेल, ठीक है। दूसरे नंबर की जो सेल होती है वो होती है कॉर्न सेल। अब ये कॉर्न सेल भी किस में पाई जाती है, रेटिना में पाई जाती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शंकु कोशिका, क्या बोलते हैं बच्चों, शंकु कोशिका। अब आप सभी को पता है कि शंकु कोशिका का काम क्या है, शंकु कोशिका का यही काम है, शंकु कोशिका का यही काम है कि वो हमें क्या देगी, कलर देगी, ठीक है, वो हमें क्या देगी, कलर देगी। तो सारे बच्चे सेशन को लाइक करें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तुम बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं जिन्होंने डिसलाइक किया वो फलानी जगह से होंगे, तो ध्यान से सुनो, एक बार रेशियो देखो, प्यार करने वाले कितने हैं मुझसे, मेरे सम्मान कितने करने वाले, और जब सम्मान से गुरु माँ बोलते हो ना तो ये दिल ऐसे भर के आता है एकदम, दिल नहीं आता, सॉरी, दिल का काम था ऑक्सीजन और CO2 की सप्लाई करने का, ये जो दिमाग है ना, ये एकदम उत्साहित हो जाता है बिल्कुल ही, ठीक है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, बेवजह खुश होने के कारण बहुत ही कम है, खुश रहने का मजा कुछ और ही है, पढ़ नहीं पाई। हाँ, तो देखो सी फॉर कलर, ये क्या होता है, ये आपके रंगों का, ये आपके रंगों का कारण है, किसका कारण है, रंगों का कारण है, रीजन ऑफ कलर है, रीजन ऑफ कलर है, रंगों का कारण है, ठीक है। तो कॉर्न सेल जो होती है बच्चों वो हम लोगों को रंग देती है, ठीक है, तो रंगों का कारण है, रंग देने में सहायक है, क्या है, सहायक है, हेल्पफुल है, क्या है, हेल्पफुल है हमारे लिए। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या जानवरों के अंदर कॉर्न सेल पाई जाती है, क्या जानवरों के अंदर कॉर्न सेल पाई जाती है, दिल दिल नहीं होता, हाइपोथैलेमस होता है, प्यार, दुख, प्यास, भूख, गुस्सा, इंटरेस्ट, सब दिमाग का काम है, दिल का कोई काम नहीं है, दिल तो फालतू में बदनाम है, ठीक है, कहते काम किसी और का और नाम किसी और का, बोलते ना, काम किसी और का, नाम किसी और का। अब काम किसका है, दिमाग का प्यार करने का, और नाम किसका लग जाता है, दिल का, ठीक है, करे कोई और भुगते कोई और। चलो देखो ध्यान से सुनो, दूसरी बात है, जो आपके एनिमल्स होते हैं, जो आपके जानवर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई भी कलर विजन नहीं होता, कोई भी कलर विजन नहीं होता, कोई भी रंग जो होते हैं, रंग दिखाई नहीं देते, नो कलर विजन, ठीक है, नो कलर विजन, इसका मतलब इनके अंदर कौन सेल नहीं होती, कौन सेल नहीं होती, नहीं होती, नो कौन सेल नहीं होती, क्या नहीं होती है, शंकु कोशिका। और जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है,
जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है उनमें भी नहीं होती है, जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है उनकी भी काउंसिल काम नहीं करती है, ठीक है। क्लियर है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दोबारा से देखो, एक बात ध्यान से सुनो, जो आपकी कॉर्न सेल होती है, जो आपकी शंकु कोशिका होती है, ठीक है, वो किसके अंदर पाई जाती है? मनुष्य के अंदर पाई जाती है, ह्यूमन के अंदर क्या होती है, पाई जाती है, और एनिमल के अंदर, जानवर के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है। दूसरी बात ये, दूसरी बात ये कि ये क्या देती है, कलर विजन देती है, कलर विजन देती है, ठीक है, रंग देखने में सहायक, रंग देखने में सहायक। और अगर नहीं है, नहीं काम करती, तो डू नॉट वर्क, अगर कौन सेल काम नहीं करती तो उस इंसान को कलर ब्लाइंडनेस होती है, उस इंसान को कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो जब किसी इंसान को कलर ब्लाइंडनेस होती है तो उसकी रॉड और कौन सेल नहीं, सिर्फ उसकी कौन सेल काम नहीं करती है, सिर्फ उसकी कौन सेल काम नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन, अगर जानवरों को रंग नहीं दिखाई देते, कौन से, आर बी जी, अगर जानवरों को मेन रंग आर बी जी नहीं दिखाई देते तो क्या दिखाई देता है, इनको दिखाई देता है व्हाइट और ब्लैक कलर, व्हाइट और ब्लैक कलर, सफेद और काला रंग दिखाई देता है, सिर्फ और सफेद और काला रंग दिखाई देता है, और कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है। कौन जो होता है वो कलर देने के लिए होते हैं, तो कलर में वो आरबीजी देने में सबसे ज्यादा सहायक है। एचसीसी के मैच वाले भी देख सकते हैं, कलर विजन हटाने का कोई कारण नहीं है। सोनू कल तो क्लास लेनी थी, कल मुझे, मैंने बताया था कि एक बार कुछ रसम में घर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो परसों वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कलर विजन होता है वो बचपन से होता है और उसका कोई सुधार नहीं होता, एक ऐसी बीमारी होती है आंखों की जिसका हम लोग क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। तो गुड इवनिंग उदित जी, आपने बोला मेरा पहला सेशन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यूपिल के बारे में। जब आपके आंखों पे लाइट कम या ज्यादा पड़ती है, मैम आंखें रेड क्यों हो जाती है? अच्छा, आंखें रेड इसलिए हो जाती है कि अगर पानी के अंदर क्लोरीन मिला हुआ हो और आप स्विमिंग पूल में हो तो उससे आंखें लाल नहीं होती है। लाल किससे होती है? आप जिस स्विमिंग पूल में हो उसमें क्लोरीन के साथ इंसान का मूत्र भी होता है, यानी यूरिन में यूरिया होता है, जिसकी वजह से वो क्लोरीन के साथ मिक्स होता है और आंखें जो होती है, आंखों की नर्व जो होती है वो रेड हो जाती है। अब बच्चों आगे प्यूपिल की बात हम लोग करते हैं, हाँ जी। तो ये है प्यूपिल, प्यूपिल की अब हम लोग बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, प्यूपिल की हम लोग बात करेंगे, प्यूपिल किसकी बात करेंगे, प्यूपिल की बात करेंगे बच्चों। अब जो हमारा प्यूपिल होता है, प्यूपिल जो होता है वो आपको, ये जो अभी आपको ब्लैक ब्लैक हिस्सा दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। जी हाँ, अगर आपकी आंखें लाल हो रही है स्विमिंग पूल में जाने के बाद, इसका मतलब 101% वहां पे मूत्र है, और अगर आंखें लाल नहीं हो रही तो मूत्र नहीं है, ठीक है। अब आपको एक बात और बता देती हूँ, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि मैम जब हम नॉर्मली पानी में बहुत देर तक रहते हैं, मतलब पानी में अपने आप को डुबाते रहे, तब भी आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर का जो पसीना होता है अगर उस पानी के साथ, उस क्लोरीन वाले पानी के साथ मिल जाए तो भी हमारी आंखें लाल हो जाती है। तो स्विमिंग पूल के अंदर इंसान का पसीना, इंसान का मूत्र यानी यूरिन और क्लोरीन, ये तीनों चीजें होती हैं, ठीक है, क्लियर है। और मेरे पास मेरे बच्चों का फुल सपोर्ट है यहां से, तो सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर भी करें, तो समझ रहे हो। तो इंसान का जो होता है पसीना भी होता है, तो आप घर में जो पानी में डूबे रहते हो, कई बार पानी डालते रहते हो, नहाते रहते हो, तो आपका पसीना भी जो जाता है आंखों के अंदर, उससे भी रेड होती है आपकी आंखें, ठीक है जी। स्टडी शॉर्ट ट्रिक्स, बिल्कुल। और कुछ पूछना है? नहीं पूछना, चलिए अब आगे, ठीक है। लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इरिस, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इरिस, ठीक है, आयरिस
के मध्य होती है। देखो ये आपका आयरिस है, ठीक है, इसके मध्य ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये आपका प्यूपिल होता है, ये आपका प्यूपिल होता है। अब आपको बताएंगे आगे चल के कि लेंस पे इमेज बनती है, ठीक है, नहीं लेंस पे इमेज नहीं बनती, लेंस से पार होके लाइट रेटिना पे इमेज बनती है आपकी, रेटिना पे इमेज बनती है, गलत बोल दिया मैंने, रेटिना पे इमेज बनती है लेंस से पार होके, रेटिना पे इमेज बनती है लेंस से पार होके। और जब रेटिना पे इमेज बनती है जो आपकी ऑप्टिक नर्व है उसके पास मैसेज जाता है कि भाई ये फलाने चीज की इमेज है, ये फलाने चीज की इमेज है, ये ऑप्टिकल नर्व बताती है आपकी, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आपको आगे बताती हूँ। अब जैसे कई बार क्या होता है, आप अंधेरे में जा रहे हो और एकदम से किसी ने ऐसे करके लाइट मारी, आप ऐसे करोगे, अच्छा आपने देखा होगा मूवीज में क्या होता है, लड़की जा रही है सुनसान रास्ते पे, ऐसे करके किसी ने हेडलाइट मारी तो लड़की ऐसे करेगी, फिर लड़की ऐसे करके चेहरा हटाएगी और हीरो देख रहा होगा और तुरंत हीरो को प्यार हो जाएगा कि पता नहीं यार क्या देख लिया। कुछ नहीं होता, दिल दिल नहीं होता, हाइपोथैलेमस होता है, सब दिमाग का काम होता है, तो उसको थाम के रखा करो, ठीक है। तो अब वो एकदम से हीरोइन आंखें बंद क्यों कर लेती है, वो इसलिए कर लेती है क्योंकि प्यूपिल का काम होता है लाइट को आंखों के अंदर पहुंचाना, ठीक है, इट अलाउ लाइट टू इंसिडेंट ऑन लेंस, इट अलाउ लाइट टू इंसिडेंट या इंसिडेंस ऑन लेंस, ठीक है, लेंस में प्रकाश को पार होने देती है, ठीक है, लेंस, हाँ लेंस पर प्रकाश किरणों को पहुंचाता है। देख रही हूं मैं, देख रही हूं मैं, पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है, और कोई क्यों इन व्यू न्यू में, हाँ तुम्हारी गुरु माँ जरूर हूं, ये तुम शब्द प्रयोग कर सकते हो मेरे लिए, गुरु माँ, माँ भी और गुरु भी हूं, गुरु माँ कह सकते हो। तो सारे बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे, ठीक है, तो प्यार हो गया। अभी तो मैंने वो एक वो बताया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, तो क्या होता है ये लाइट को एंटर करने की एंटर करने देती है ताकि लेंस पे लाइट पार हो सके। अब अगला, अगर लाइट ज्यादा पार होगी तो क्या होगा, तो सारे के सारे बच्चे देखो पानी, सारे के सारे बच्चे कम से कम 500 लाइक करें, सारे के सारे बच्चे कम से कम 500 लाइक तो करें ही करें, 500 लाइक तो करें ही करें और शेयर भी करते रहे, बढ़िया जबरदस्त वॉचिंग चाहने चाहिए, एकदम कहर, संदीप जी फतेहबाद जल्दी आ रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। अब आपको बता देते इरिस, इरिस के अंदर वाला हिस्सा जो होता है ये प्यूपिल होता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा होता है आपका प्यूपिल, ये वाला हिस्सा होता है आपका इरिस, इरिस जो होता है इसमें कलर पिगमेंट होता है, आप सभी को पता है, मतलब किसी का किसी कलर का होता है, किसी का किसी कलर का होता है, ये लाइट पहुंचाता है, ये लाइट को क्या होता है, ये प्रकाश को जो होता है क्या कराता है, पार कराता है, और पार करवाते हैं फिर लेंस पे पहुंचाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखो यहां पे देखो, ये बहुत छोटा है प्यूपिल और ये बहुत प्यूपिल बड़ा है, तो क्या होगा अगर लाइट जो होगी, लाइट ध्यान सुनना, अगर लाइट जो होगी, अगर जो प्रकाश होगा वो मैक्सिमम होगा यानी बहुत ज्यादा होगा, तो आपका जो प्यूपिल है, आपका जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा छोटा, वो हो जाएगा छोटा, प्यूपिल का साइज एकदम से छोटा हो जाएगा। जैसे क्या हुआ, हीरो ने लाइट मारी, लड़की ने ऐसे किया, फिर लड़की ऐसे करेगी, हीरो को प्यार हो जाएगा, वो तो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, तो वो तो बताया दिल दिल नहीं होता, हाइपोथैलेमस होता है, प्यार दिमाग से होता है, दिल से नहीं होता, दिल तो फालतू में बदनाम है, दिल का काम तो ऑक्सीजन और CO2 की सप्लाई करना ही है, ठीक है, ये फालतू में बदनाम है, ठीक है, प्यार सबको होगा लेकिन अपने माँ बाप से पहले होगा, बाकी से बाद में होगा, ये भी पता है ना, हाँ बस। अब क्या होता है, देखो इसका प्यूपिल इससे बड़ा है, इससे बड़ा है इसका प्यूपिल, ठीक है, तो प्यूपिल बड़ा है तो क्या होगा, जो आपकी लाइट है, यही लिख देती हूँ, जो आपकी लाइट है,
जो आपका प्रकाश है वो क्या है, कम है, और हो सकता है कि रात हो रही हो, जैसे अभी रात हो रही है और तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारे प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, ठीक है, प्यूपिल का साइज बड़ा होगा क्योंकि उसे चीजों को देखना है, वो ज्यादा से ज्यादा लाइट अपने अंदर एंटर करवाएगा, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करवाएगा तो क्या होता है, प्यूपिल प्यूपिल जो होगा वो बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि लाइट जो है कम आ रही है, प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, प्यूपिल का साइज एकदम से बड़ा हो जाएगा। बड़ा क्यों हो जाएगा, वो कोशिश करेगा लाइट ज्यादा अंदर जाए लेकिन लाइट कम है, तो वो सोचता है कि जितनी भी कम है वो सारी की सारी चली जाए, ठीक है। नहीं सोनू जा, पूरा कोर्स कराऊंगी बिल्कुल फ्री। सरित ने बोला आप तो क्रश हो मेरा, सबसे पहला प्यार है। अच्छा, सबको प्यार हो गया, क्या बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ऐसी कंडीशन कब होगी, पहले आराम करो सुन लो, प्यार बाद में कर लेना, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब ऐसा कब होगा, अब ऐसा स्पेशली तब होगा, ये छोटा कब होगा, जब डे होगा, जब दिन होगा, दिन में लाइट ज्यादा रहती है तो प्यूपिल का साइज छोटा होगा, और रात में लाइट क्या होती है, कम होती है, तो अभी आपका प्यूपिल का साइज जो होगा ना वो दिन के मुकाबले क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। इसके लिए आप अपने आंख का फोटो खींच सकते हो, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हो, आप फोटो खींच सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, आप अभी अपना फोटो खींचो अपनी आंख का, और दोपहर के टाइम रोशनी में जाके अपना फोटो खींचना अपनी आंख का, तो आपको अपने प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा मिलेगा, ठीक है। कुछ पूछना है और, हाँ, तो जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है उन्हें समझ में आ गया होगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, सारे के सारे बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक करेंगे, फटाफट से सेशन को लाइक करो, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनकी गुरु माँ हूँ, प्रेम तो रहेगा ही उनसे। देखो, प्यार जरूरी नहीं है ये वो वाला प्यार हो जो आजकल के बच्चों में होता है। प्यार माँ बाप से भी होता है, बहन भाई से भी होता है, गुरु से भी होता है, दोस्त से भी होता है। प्यार की बहुत सारी भाषा है, सिर्फ एक ही नहीं है, और आप उस पर ले जाते हो तो गलत है ना। हाँ हाँ संजय, अभी पॉलिटी और केमिस्ट्री है, अभी फिजिक्स और बायो खत्म करवा दूँ, ठीक है। साइंस बाय प्रियम मैम चैनल है, उसमें मैं पॉलिटी पढ़ाने लग जाऊँ तो बच्चों को भी लगेगा यार पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए, अरे डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता, फालतू की चीज़ है। मन की इच्छा पूरी ना हो इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता। अब हम पढ़ेंगे इमेज ऑफ एन आई, ध्यान से सुनो, हो गया खत्म। अब हमारे पाठ, हमारे हिस्से सब खत्म हो गए, अब पढ़ेंगे हम इमेज ऑफ एन आई, ठीक है। आंखों पर प्रतिबिंब, आंखों पर प्रतिबिंब, या आंखों का प्रतिबिंब, ठीक है। ये डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता, जो लोगों को डिप्रेशन होता है बच्चों को मेरी एक बात सुन लो, ठीक है। किसी इंसान ने कहा है, काफी लोगों से आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जो मिल गया वो माटी है और जो ना मिला वो सोना है। जो मिल गया वो माटी और जो ना मिला वो सोना है, इंसान एक खिलौना है, ठीक है। इसीलिए लोगों को डिप्रेशन होता है क्योंकि जो उनके पास होता है वो तो माटी है और जो नहीं होता है वो सोना होता है, ठीक है। अरे जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम्हें क्या पता वो सोना है या नहीं है। सबसे पहली बात, जो तुम्हारे पास है कम से कम उसको सोना समझो, ठीक है, और फिर डिप्रेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इमेज ऑफ एन आई, आंखों का जो लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स होता है। हमारी जिंदगी में ही एक्स है, हमारी जिंदगी में ही एक्स है, इसलिए आंखों में इस्तेमाल होने वाला लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। हमारी जिंदगी में ही एक्स है, ऐसे याद रखना, ठीक है। एक मैं ऐसे आपका थ्योरिटिकल इमेज बता रही हूँ, थ्योरिटिकल इमेज, ठीक है, ऐसी थ्योरिटिकल इमेज बता रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो इमेज है, ठीक है, ये सपोज करो ये कोई इंसान है, ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, बच्चों ये लेंस है, ध्यान से सुनना सभी के सभी बात। तो आंखों में इमेज कैसे बनेगी, होता क्या है, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनेगी ये उल्टी हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा रियल बनती है, वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है। अब ये उल्टी कैसे बनती है, ये आपको लेंस के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि कब कब कौन सी इमेज जो है वो उल्टी बनेगी। लेकिन हमेशा याद रखना कि आप जो भी इस दुनिया में चीज देख रहे हो, रेटिना पे, लेंस में इमेज नहीं बनती, लेंस से तो लाइट पार हो जाती है। इमेज हमेशा कहां बनती है, रेटिना पे, अभी पढ़ाया।
इमेज हमेशा कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है, और ये जो जगह है ये रेटिना है, रेटिना पे इमेज क्यों बनती है, लेंस से लाइट पार हो जाती है, तो जो लाइट आंखें जो है वो ले रहा है उसकी जो छवि है वो कहाँ बनेगी, हमेशा इमेज, इमेज जो बनेगी, जो छवि बनेगी वो हमेशा कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, मैडम हम तो आपको सीधा देख रहे हैं, अपने सामने वाले को भी सीधा देख रहे हैं, अपने आसपास को भी सीधा देख रहे हैं, ऐसा इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपकी जो इमेज है वो कैसी बनती है, उल्टी बनती है रेटिना पे, लेकिन आपका जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है वो इस चीज को सीधा कर देता है, आपका जो ब्रेन है वो इस चीज को सीधा कर देता है, और सीधे को हम लोग इरेक्ट बोलते हैं, सीधे को हम लोग इरेक्ट बोलते हैं, सीधा कर देता है, तो दिमाग उस चीज को क्या कर देता है, सीधा कर देता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी, तो ये बात समझ में आई, क्लियर है, हाँ जी, तो देखो ध्यान से सुनो, तो आंखों पे इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है, रेटिना पे बनता है, लेंस कॉन्वेक्स होता है, लेकिन हमें कोई भी चीज उल्टी इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि जब रेटिना पे इमेज बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, तो वो सीधा हो जाता है। ठीक है, और हमारी जिंदगी में ये एक्स है, इसलिए हमारी आंखों में इस्तेमाल होने वाला लेंस कॉन्वेक्स है, हमारी जिंदगी में ही एक्स है, कैमरे में इस्तेमाल होने वाला लेंस कॉन्वेक्स है, हमारी जिंदगी में ही एक्स है, इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप में भी होने वाला इस्तेमाल लेंस कॉन्वेक्स है, हमारी जिंदगी में ही एक्स है, इसलिए टेलीस्कोप में भी इस्तेमाल होने वाला लेंस भी, सिंपल टेलीस्कोप में भी इस्तेमाल होने वाला लेंस कॉन्वेक्स ही है। क्लियर है, चलिए अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने अभी पढ़ाया ये इसका आपका क्या है, डेमो है, और ये डेमो है, ओहो GIF लगाया था लेकिन लगा नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से मैं आपको बता देती हूँ, लग तो गया, ये देखो, ये देखो, सारे बच्चे देखोगे ये एक बर्ड है, सारे बच्चे देखोगे ये एक बर्ड है, ठीक है, ये एक चिड़िया है, और इस चिड़िया की जो इमेज है वो ये जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये वाला, ये प्यूपिल है, और इस प्यूपिल पे पढ़ के, और ये वाला हिस्सा आपका लेंस है, प्यूपिल पे पढ़ के लेंस पे पढ़ रही है, लेंस से पार हो रही है, फिर ये वाला हिस्सा आपका, ये वाली जो परत होती है, ये वाली परत जो है आपकी, ये रेटिना है, और रेटिना पे पढ़ के ये देखो यहाँ पे, ये छोटी बन रही है, छोटी बन रही है, क्यों छोटी बनती है, क्यों स्मॉल बनती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर ये जो ऑप्टिकल नर्व है, इसके पास मैसेज जा रहा है, अब सारी बात दोबारा से पढ़ोगे, पढ़ोगे ना, हाँ, तो सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर करेंगे, तापस दास ने बोला दोबारा से बता दो, बता देती हूँ बच्चों, ये एक चिड़िया है, ध्यान से देखना, एक चिड़िया हुई, तो चिड़िया की जो छवि थी, जो रोशनी थी, वो प्यूपिल से लेंस में पार हुई, लेंस से रेटिना पे इमेज बनी, इमेज छोटी बनेगी, और यहाँ पे ये जो नर्व है, ये देखो यहाँ पे, ये मैसेज पहुंचेगा नर्व के द्वारा, ये मैसेज पहुंचेगा नर्व के द्वारा, इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, और इससे ये हमें पता लगेगा कि सामने जो चीज है वो एक चिड़िया है। अगर आपको ये पूरा समझ में आया तो मुझे बताओ, जल्दी बताओ, सारे के सारे बच्चे सेशन को इतना ज्यादा लाइक करें कि ये 500 प्लस से ज्यादा लाइक हो जाए और 200 प्लस से ज्यादा वॉचिंग हो जाए, सारे के सारे बच्चे बताओ, समझ में आया, ये जो एक छोटी सी गोल सी चमकदार चीज जा रही है ना, ये मैसेज जा रहा है नर्व में कि ये चिड़िया है, और दिमाग अब क्या है, चिड़िया ये है, अब चिड़िया कैसे हो रखी है, ऐसे हो रखी है ये, तो दिमाग के पास मैसेज जाएगा, ये वापस ऐसे हो जाएगी, देखो सारे भाई देखो, दिल से है, अभी 20 लाइक बचे हैं, 500 प्लस हो जाएंगे, हाँ वेदांत, रेटिना पे जो इमेज है वो हमेशा उल्टी बनती है, देखिए देखिए ध्यान से, रेटिना पे इमेज जो है वो हमेशा उल्टी बनेगी, और साथ ही साथ स्मॉल बनेगी, छोटी बनेगी, और ये मैं आपको प्रैक्टिकल इमेज, जब इमेज फॉर्मेशन प्रतिबिंब कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का करवाऊंगी तो बताऊंगी। तो वेदांत जी, रेटिना पे इमेज छोटी बनती है, जब ऑप्टिकल नर्व ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाती है तो वो अपने आप सीधा कर देता है, इसीलिए दुनिया में हम हर एक चीज जो है वो सीधी देख रहे हैं, किसकी वजह से, ब्रेन की वजह से। और वैसे क्या हो रहा है, सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, वैसे क्या हो रहा है, रेटिना पे इमेज उल्टी बन रही है। अगर खाली रेटिना की इमेज की बात की जाए तो मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देते, मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देते, लेकिन नहीं दिखाई देते सिर्फ इसी वजह से, ठीक है, हाँ, रेटिना जो है वो फिल्म की तरह है,
आप जो मूवी थिएटर में देख रहे हो वो भी सब प्यूपिल बड़ा होना छोटा होना, अब मैंने कहा था इसका एक्सपेरिमेंट कर लेना, शाम वाली फोटो देख लेना ठीक है खींच लेना, और एक दोपहर वाली फोटो खींच लेना, तो आपको आपके प्यूपिल का साइज बड़ा छोटा दिखाई देगा, क्योंकि अगर लाइट ज्यादा है तो प्यूपिल का साइज छोटा होगा, और लाइट कम है तो प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, बड़ा इसलिए कि ज्यादा लाइट आ जाए, और छोटा इसलिए होगा कि कम लाइट जाए। ठीक है, अब ये बताइए सेशन कैसा लगा, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी साइंस बाय प्रिया मैम चैनल पे। अब डिप्रेशन नहीं करना, अटेंड करना है क्लास को, मेरे साथ हार्डवर्क करना है, रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी, और मेरा वादा है कि साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसे ही आप लोग नाचते घूमोगे। बहुत जल्द मैं आप लोगों को आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ और सैरोगेसी इनके बारे में मैं पढ़ाने वाली हूँ, साइंटिफिकली ये चीजें क्या होती है। दूसरी बात यह है कि भाई ये जो ये चैनल है साइंस बाय प्रिया मैम, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे ट्विटर पे इंस्टा पे हर जगह फॉलो कर सकते हो, मेरे फेसबुक पेज पे, और ये सब आपको मिल जाएगा। अपने बहन भाई को भी ये दिखा सकते हो जो 10th क्लास में और 12th क्लास में है, या फिर एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहा है आपका भाई या बहन, तो आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये आपकी पूरी सेव हो गई ठीक है, और ऐसे करके मैंने इसको सेव कर लूंगी, अब ये सेव करते ही आप लोगों के पास में पहुंच जाएगी। बोलो सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा ना पक्का? नहीं वेदांत जी हम जिम नहीं जाते, लेकिन हाँ अब हमारे पास में समय ही समय है, अब हम जिम जाएंगे, पैर ठीक हो जाए एक बार ठीक है, पैर में अभी भी चोट लगी हुई है, तो पट्टी वट्टी बंद रखी है, अब 1 घंटे की क्लास हो गई, अब मैं आराम से पैर को ऊपर करके बैठ जाऊंगी। चलिए बहुत बहुत सारा प्यार, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। टाइमिंग टाइमिंग क्या है, टाइमिंग रोज शाम के 7 बजे है, कल से रात के 10 बजे बायो शुरू हो रही है, कल से रात के 10 बजे बायो शुरू हो रही है, और दोपहर के 12 बजे साइंस के MCQ है ठीक है, सब करवा दूंगी भाई, लेकिन टाइम से होगा ना। चलिए बाय बाय, लाइक जरूर कर देना जाते टाइम।